सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 17th ऑफ मे को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं थर्सडे के मार्केट में। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो देखा हमने कि आज के मार्केट में मार्केट को गिरना था, उसने जो 10,950 के लेवल को टेस्ट करा था, यानी 10,930 के आसपास के लेवल को टेस्ट करा था, हमने वहां से गिरावट आते हुए देखी। तब हम कह सकते हैं कि इस टाइम का वो टॉप बन चुका है और शायद वहां से हम गिरावट आते हुए देख सकते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने देखा कि उस निफ्टी ने 10,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करा, उसे सस्टेन करने की कोशिश करी और वो एक रेंज में ही अटकते रहा, ना कि हम 10,760 के ऊपर निकलते हुए गए, ना कि हम 10,730 के नीचे निकलते हुए गए, वही एक रेंज में अटकते गए थे। हमने देखा था कि 10,700 को टेस्ट करा था, उसके बाद से हमने बाउंस बैक आते हुए देख ली थी। अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, तो हमने देखा था बैंक निफ्टी एक स्ट्रांग नहीं था, वहां पर हमने एक गिरावट आते हुए देखी थी और जैसे कि मैंने आपको 5 रीजंस बताए थे कि जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिर सकती है, तो वही हुआ। हमने बताया, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही होके आया। अगर हम 5 स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें मैंने आपको हिंडालको, ल्यूपिन, टाटा ग्लोबल, BEL और रिलायंस कैपिटल, ये पांचों के पांचों स्टॉक्स आपको मैंने सेल करने की सलाह दी थी, जिसमें से हमने अगर हम ल्यूपिन की बात करें देखे तो हमने देखा कि ल्यूपिन ऊपर के लेवल्स में ही खुला और हमने और ऊपर के लेवल्स इसमें बनते हुए देखे, तो हमारा इसमें लॉस हो गया होगा अगर हम ल्यूपिन में अगर आप लोगों ने बाय करा होगा। अगर हम बात करते हैं हिंडालको, टाटा ग्लोबल, BEL और रिलायंस कैपिटल, तो हमने इन तीनों में प्रॉफिट होते हुए देखा और जो हमारे टारगेट्स, मैंने आपको जो दो टारगेट्स बताए थे उस टारगेट के नीचे जाके भी ट्रेल कर रहा था, मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। टाटा ग्लोबल की बात करके देखें तो टाटा ग्लोबल में हमें पहला टारगेट अचीव हुआ और ना दूसरा टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि एक बार ये रेंज में चला गया था। तो अगर मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हिंडालको को बेच के रखा हुआ है और अगर आपने पोजीशन नहीं काटी है तो आप अभी भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 239.75 पे इसने क्लोजिंग दिया और इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 238 पे। अगर ये कल के मार्केट में 238 के लेवल को क्रॉस कर देता है और नीचे चले जाता है तो हम और इसमें डाउनसाइड लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो हिंडालको को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यस बैंक, स्कॉट्स, IB वेंचर, इन्फोसिस और HDFC। तो यस बैंक की बात करें तो सेल करने की सलाह दी जाएगी। अगर हम बात करें जब से मे सीरीज शुरू हुई है, मे सीरीज में इसने 342 के लेवल को क्रॉस नहीं करा और उसके नीचे सस्टेन नहीं करा, अभी भी ये 350 के लेवल पे है, तो 342 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है अगर हम कहना चाहें तो। आप यहाँ तक शायद मार्केट जा सकती है। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको चार्ट्स करना रीड करना नहीं भी आता तो आप यस बैंक का चार्ट ओपन करिए और डेली चार्ट्स में जाइए। जब आप डेली चार्ट्स में जाएंगे तो आप पीवट पॉइंट्स का एक इंडिकेटर होता है, वो पीवट पॉइंट का इंडिकेटर लगाइए और वहां पर आप खुद देख पाएंगे कि पूरे मे सीरीज में उसने 342 के लेवल को क्रॉस नहीं करा और 358 समथिंग के लेवल के ऊपर वो नहीं जाना चाह रहा था। तो यस बैंक एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद आप 15 मिनट्स का चार्ट भी ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया जा रहा है और वहां से अब इसका गिरने का समय आ गया है। तो 355 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए, 346, 342 के टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं यस बैंक के अंदर। एस्कॉर्ट्स की बात करें तो हमने देखा था कि एस्कॉर्ट्स में बहुत तेजी आते हुए हमें देखनी थी, हमने देखा था कि एस्कॉर्ट्स गिरा था पर उसके बाद इसमें हमने तेजी आते हुए देखी थी। एस्कॉर्ट्स का भी बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है, 938 तक ये जाता है और वहां से हमें फिर बाउंस बैक देखने को मिल जाती है और एस्कॉर्ट्स ऊपर के लेवल बना देता है। तो 956.75 पे क्लोजिंग इसने दिया। अगर आपको ये कल मार्केट में डाउनसाइड में मिलता है तो अगर आपको 938 के आसपास भी मिलता है, 5-6 पॉइंट्स आसपास, तो भी आप एस्कॉर्ट्स को बाय कर सकते हैं। 963, 972 तक के टारगेट्स आपको एक्सपेक्ट हो सकते हैं।
और अगर आपको ऊपर ही मिलता है और अगर ये मार्केट के साथ ऊपर जाना शुरू करता है तो आप इसको तब भी बाय कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा करंट मार्केट प्राइस के पास रख लीजिएगा। आईबुल वेंचर की बात करें तो सेल करने की सलाह दी जाएगी आपके लिए। मैं इसके लिए खास वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया बुल वेंचर के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पर अभी शेयर नहीं करूंगा। जब ये एक लेवल तक पहुंच जाएगा जो मुझे लग रहा है कि उस लेवल को ये टेस्ट करेगा, तब मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर तब आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप समझ सकते हैं आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, और मैं भी वॉच लिस्ट में इसे ज़रूर रख रहा हूँ। तो अभी तो मैं सेल करने की सलाह दूंगा। 544 का 0.40 का करंट मार्केट प्राइस है, 463 तक का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पर 449 443 तक के टारगेट्स आपको इंडिया बुल वेंचर के अंदर एक्सपेक्ट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के थोड़ा पास मिलता तो भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, पर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आईबी वेंचर के ऊपर ही बनानी होगी। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो सेल करने की सलाह दी जाएगी। 119 टी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 1187 का। अगर उसको शायद ये टेस्ट कर दे, अगर उसके टेस्ट करके उसके नीचे बढ़ना शुरू होता है तो 1177 तक के टारगेट्स भी हम इन्फोसिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1207 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, पर आपको देखना है अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप मार्केट खुलते ही इसे शॉर्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो 11987 के नीचे सस्टेन करता है तो ही आपको इसको शॉर्ट करना है, वरना हम यहाँ से शायद एक बाउंस बैक आते हुए भी देख सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनानी होगी, और मैं आपको ये एक दो दिन का ट्रेड दे रहा हूँ, मतलब आप 3 दिन तक इसे होल्ड करके रख सकते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में। 1885 तक के टारगेट्स भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं मार्केट के साथ ही थोड़ा ऊपर खुलने की कोशिश करता है, पर वहां से हम एक सेल ऑफ आते हुए देख लेते हैं और अच्छे खासे लोअर लेवल इसमें बन जाते हैं। तो अगर आपको ये भी स्टॉप लॉस के पास अगर मिलता है तो आप वहां से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें ट्रेड लेकर चल सकते हैं। 1885 तक के टारगेट्स भी हमें एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमने देखा था कि HDFC बैंक शुरुआत में आउट परफॉर्म कर रहा था, ऊपर के लेवल्स दिखा रहा था, हम देख रहे थे कि शायद ही बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दे जाए, पर मैं देख रहा था कि जैसे ही ये अपने अपने जो ग्रीन निशान में ये ट्रेड कर रहा है, जैसे ये -2 के उसमें लेवल में पहुंचता है तो हमें इसे शॉर्ट करना होगा, पर मुझे एक अर्जेंसी आ गई थी और मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैं आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी HDFC बैंक के अंदर नहीं दे पाया, वहां से हमें एक सेल ऑफ अच्छा आते हुए देखने को मिल गया था। तो अब मैं आपके लिए एक अच्छा एक सेल ऑफ और ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा कल के मार्केट में, कल आपको मार्केट में कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो हम देख सकते हैं कि अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर 10,785 के नीचे सस्टेन जाता है तो वहीं से आपको शॉर्ट करना होगा, वहां से आपको 10,710 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, वहीं से हमने इसमें बाउंस बैक आते हुए देखा था। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आपको इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी है, 10,810 10,815 एक इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है, और वहाँ से अगर ये उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है, वरना कि मैं आपको जो कह रहा हूँ अगर आपको 10,800 तक 10,790 10,800 तक मिलता है वहाँ से इसे शॉर्ट वापस कर सकते हैं निफ्टी को, और 10,740 तक के आपको लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको। निफ्टी बैंक आपको मैं तभी सेल करने की सलाह दूंगा जब ये 26,060 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो ये आपको इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी होगी। 25,890 तक के हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 26,450 का लगा के चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तभी शॉर्ट करना है जब 26,060 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मुझे मेरे व्यूअर्स का बहुत सपोर्ट आते हुए मिला। मैंने आपको बताया था कि मुझे आप मेरी वेबसाइट पर जाके विजिट करिए, जहाँ पर मैं लेटेस्ट जो न्यूज़ आनी होती है वो मैं अपडेट करते रहता हूँ, और वहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया था वैसे ही हमने देखा कि जो हमारे व्यूअर्स थे, इंडियन व्यूअर्स जो मार्केट जो मेरी वीडियो देख रहे थे, वहाँ पर लोगों ने उस वेबसाइट में जाके विजिट करा और वहाँ पर न्यूज़ पढ़ी, और मुझे कमेंट्स में भी बताया कि उन्हें अच्छी लगी वेबसाइट और रिलेवेंट न्यूज़ उन्हें मिल रही है। तो वहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है कि वहाँ पर आपको रिलेवेंट न्यूज़ मिल रही है, व्हाट कैन आई हेल्प, तो वहाँ पर भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं। मुझे जो भी स्टॉक्स आपको अगर समझने हैं कि इन स्टॉक्स के बारे में मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं कि इसके ऊपर क्या न्यूज़ बन सकती है, क्या टारगेट, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, तो वहाँ पर जाके उस मुझे ब्लॉग के अंदर आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको मैं रिप्लाई अगर बात करें तो आपको मैं 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही रिप्लाई कर दिया करूंगा वहाँ पर, क्योंकि जो भी वो वेबसाइट में अपलोड करते हैं वहाँ पर आपको रेगुलर आपके अपडेट्स में फिट रहेंगे। तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करिए उस ब्लॉग के अंदर। और मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा जो मार्केट के लिए अपडेटेड रहनी चाहिए आपके लिए। मैं आपको जो भी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो अगर कोई न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक्स बन जाते हैं और हमारे उल्टे सिग्नल्स आ जाते हैं, मगर मैंने आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी है और अगर उसमें जो न्यूज़ आया वो पॉजिटिवली आया और स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो वो आपको शॉर्ट करके नहीं चलना होगा। वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं सारी की सारी जो न्यूज़ होती है, अगर हमारे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसपे हम ट्रेड करना चाहते हैं वो सारी की सारी न्यूज़ मैं आपको उस ब्लॉग के अंदर ही देता हूँ। तो उसे विजिट ज़रूर करा करिए जब मार्केट ओपन होने से पहले, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मार्केट में ये सेंटिमेंट्स बनने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिए अगर आपको ये चैनल पे सस्टेनेबली रीजनेबल प्रॉफिट बनाना है। तो मेरे बेल आइकन को दबाइए अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहना है। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।